नमस्कार, स्वागत है नेशन में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही, यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या की फिराक में है रूस। जेलेंस्की को मारने के लिए भेजे गए हैं 400 आतंकवादी। रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है, पूरी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब पुतिन का टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि जेलेंस्की है। और जेलेंस्की को जान से मारने के लिए रूस ने 400 आतंकवादियों को भेजा है। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप जरूर एक बार हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार जेलेंस्की को जान से मारने के लिए रूस ने पूरे यूक्रेन को तबाह क्यों किया। और ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, बड़ा दावा किया जा रहा है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि 400 खूंखार आतंकवादियों को यूक्रेन भेजा गया है ताकि वो जेलेंस्की को जान से मार सके। बता दूं आपको, ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से खबर आई है कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या की फिराक में। बताया जा रहा है कि राजधानी क्यू में 400 रूसी आतंकी मौजूद हैं। बता दूं आपको, रूस और यूक्रेन में चल रही जंग का आज पांचवा दिन है। सुबह से ही कीव के आसपास के इलाके में रूसी हमले जारी हैं। मिली जानकारी के अनुसार रूसी सैनिक पूरे बल के साथ कीव पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन रहे हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे अब यूक्रेन ने भी रूस के सामने घुटने नहीं टेकने की ठान ली है। इसी बीच ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से खबर आई है कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या की फिराक में है। बताया जा रहा है कि राजधानी क्यू में 400 रूसी आतंकी मौजूद हैं और वो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजे गए हैं। बता दें कि रूस का हमला लगातार यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा भी कर लिया है। यूक्रेन के प्रमुख शहरों में क्रूज मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। रूसी सैनिकों के हमले से शनिवार तक यूक्रेन में 3 बच्चों सहित 198 नागरिकों के मारे जाने की खबर भी है, जबकि अब तक 1684 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। बता दूं, वहीं यूक्रेन के सैनिक और लोग भी दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। काम संसाधन की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार दुनिया के दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रविवार शाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फ़ोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे में इस युद्ध में काफ़ी अहम होने वाले हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं, लगातार कई देश को उनके साथ आने का लालच दे रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर रूस एक से बढ़कर एक हमले कर रहा। और यहाँ तक कि खबर आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश रूस कर रहा है और अपने 400 खूंखार आतंकवादियों को भी भेजा जा चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब अगला टारगेट रूस का यूक्रेन नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जैसा कि देखा जाए तो ये विशेष खबर सामने निकल कर आई है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से ये खबर दुनिया के सामने आई है कि 400 खूंखार आतंकवादियों को रूस भेज रहा है यूक्रेन में। यहाँ तक खबर है कि भेजा जा चुका है, 400 आतंकवादी एक्टिव हैं रूस में, जो कि मारना चाहते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। यानी कि जेलेंस्की को मारने के लिए यहाँ पर रूस ने बड़ा कदम चला है, जिसकी वजह से भयंकर तबाही भी देखी जा रही है। और कह सकते हैं यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जिसकी वजह से अब चीज़ें और भी ज़्यादा दहशत फैलाने वाली हो गई। क्योंकि एक तरफ रूस परमाणु बम की धमकी दे रहा, तो दूसरी ओर देखा जाए तो वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश कर रहा। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्थिति पैदा कर रही हैं, जिससे भयंकर तबाही मच सकती है, जैसा कि आप लगातार वीडियो में देख रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से आई खबर है कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या की फिराक में बड़ी कोशिश कर दी है। बताया जा रहा है कि राजधानी क्यू में 400 आतंकी मौजूद हैं जो कि रूसी आतंकवादी हैं। बता दूं, रूस और यूक्रेन में चल रही जंग का आज पांचवा दिन है। सुबह से ही कीव के आसपास के इलाके में रूसी हमले जारी हैं। मिली जानकारी के अनुसार रूसी सैनिक पूरे बल के साथ कीव पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन रहे हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे अब यूक्रेन ने भी रूस के सामने घुटने नहीं टेकने की ठान ली है। इसी बीच ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से खबर आई है कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या की फिराक में है। बताया जा रहा है कि राजधानी क्यू में 400 रूसी आतंकी मौजूद हैं
और वो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजे गए हैं। बता दें कि रूस का हमला लगातार यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा भी जमा लिया है। यूक्रेन के प्रमुख शहरों में क्रूज मिसाइलों से हमले भी किए जा रहे हैं। रूसी सैनिकों के हमले में शनिवार तक यूक्रेन में 3 बच्चों सहित 198 नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि अब तक लगभग 2000 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं यूक्रेन के लोग। बता दूं आपको, वहीं यूक्रेन के सैनिक और लोग भी दुश्मनों को डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कम संसाधन की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार दुनिया के दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं, यानी वो लगातार कई देशों से बात कर रहे हैं, क्योंकि कई नेटो देश हैं जो उनका सहयोग करने के लिए कह रहे थे, लेकिन अभी तक कोई सहयोग सही से नहीं मिला। सिर्फ हथियार भेजे गए हैं जैसा कि खबर चल रही, बाकी वास्तविकता क्या है अभी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो यूक्रेन बुरी स्थिति में पहुँच चुका है, और उसके साथ साथ कई ऐसे देश हैं जो लगातार यूक्रेन का साथ अभी भी खुलकर नहीं दे पा रहे हैं। खुलकर देने का मतलब केवल सपोर्ट और प्रतिबंध ही नहीं, बल्कि रूसी सेना के खिलाफ उनको अपनी सेना उतारनी चाहिए, तो वो एक अलग ही अपना साथ देना होता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कोई खुलकर साथ नहीं दे रहा, सिर्फ बयानबाजी और प्रतिबंध के अलावा कुछ भी किसी को नहीं सूझ रहा। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। जिस तरीके से देखा जाए तो मामले और भी ज़्यादा हैरान करने वाले हो चुके हैं, क्योंकि अब टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। रूस ने 400 एक्टिव आतंकवादियों को, खूंखार आतंकवादियों को यूक्रेन में भेज दिया है और वो राजधानी कीव में मौजूद हैं। अब किसी भी वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने ये बड़ा कदम उठा लिया है उसे साफ पता लगता है कि भयंकर तबाही तो ज़रूर मचने वाली है। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि सच्चाई ज़रूर जनता के सामने पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूस ने ये बड़ा कदम उठा लिया है। जेलेंस्की को जान से मारने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है रूस द्वारा। रूस ने 400 आतंकवादियों को यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुँचा दिया है, जिससे इस बात की अटकलें लग रही हैं ये चीज़ें और भी भयानक होने जा रही और भयंकर तबाही भी मचने वाली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या की फिराक में है रूस। जेलेंस्की को मारने के लिए भेजे हैं 400 आतंकवादी, और 400 आतंकवादियों को भेजने के बाद देखा जाए तो स्थिति अब काफ़ी ज़्यादा और भी खतरनाक हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा दहशत मची हुई है और लोग काफ़ी ज़्यादा डरते भी नज़र आए हैं। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सच्चाई ज़रूर जनता के सामने पहुँचे। और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति और भी ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। लगातार युद्ध के मुहाने पर खड़े यूक्रेन पर इस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आ रही, जिसकी वजह से मामला काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला हो चुका है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती नज़र आ रही हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें अभी देखी जा रही हैं उनको देखकर साफ पता लगता है कि स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर रूप लेती नज़र आ रही है। तो कमेंट बॉक्स में राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।